दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको अमूल की आइसक्रीम और कुरकुरे का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया और आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया कि आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं आपके ही कुछ और फेवरेट फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपकी मनपसंद मैगी नूडल्स फैक्ट्री में किस तरह बनती है और साथ में देखेंगे कि अमूल चॉकलेट्स कैसे बनती हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो में आपको और भी कमाल के पैक फ्रूट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने को मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस स्वादिष्ट सफर पर चलने के लिए। अमूल का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आने लगता है, पर क्या आपको पता है ये कंपनी भारत में सबसे ज्यादा डार्क चॉकलेट्स बनाने वाली कंपनी है। अमूल चॉकलेट्स बनाने का प्रोसेस शुरू होता है हाई क्वालिटी कोकोआ सीड्स को साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से इंपोर्ट करके। ये कोकोआ का फल ही होता है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है। सबसे पहले इस फल में से कोकोआ बीन्स को निकालकर उन्हें फर्मेंट करा जाता है। इसके बाद इन्हें धूप में कुछ दिन सुखाकर फैक्ट्री भेज दिया जाता है। यहाँ ये बीन्स रोस्ट करी जाती हैं जिससे इनमें फ्लेवर आता है और फिर इनका पाउडर बना लिया जाता है। पर अभी पूरा काम नहीं हुआ, अब इस पाउडर को चॉकलेट चिप्स का आकार दिया जाता है और फिर पैकेट्स में भरकर इन्हें अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। अमूल फैक्ट्री पहुंचने के बाद कोकोआ चिप्स को बटर और शुगर में मिक्स किया जाता है, जिसके बाद इसका एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को 3 मशीन्स के थ्रू पास कराया जाता है ताकि चॉकलेट को उसका स्मूथ टेक्सचर मिले। इस स्मूथ चॉकलेट को मोल्ड्स में डालकर फ्रीजर्स में रख दिया जाता है। जब ये चॉकलेट्स बनकर एकदम रेडी हो जाती हैं, तब इनको एक मशीन इनके मोल्ड से निकाल देती है और दूसरी मशीन इन चॉकलेट्स को रैप कर देती है। तो दोस्तों, जैसी आप सभी ने फरमाइश करी थी, आज हम आपको दिखाएंगे कि मैगी नूडल्स किस तरह बनाए जाते हैं। मैगी नूडल्स बनाने का काम शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में मौजूद नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया की सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है और उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की लैब में टेस्टिंग करी जाती है और पास होने के बाद शुरू होता है नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ इस मैदे को आटे की तरह ही गूंद लिया जाता है, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन इस आटे की पतली पतली शीट्स बना लेती है। इस प्रोसेस के बाद इन शीट्स को मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दी जाती है। अब इन मैगी नूडल्स को एक बार फ्रायर में डाला जाता है, जहां ये 80% कुक हो जाते हैं और बाकी के 20% तो आप घर में 2 मिनट में कुक कर ही लेते हैं। अब बारी आती है मैगी मसाला की, जो देता है मैगी को उसका असली टेस्ट। तो मैगी मसाला बनाने के लिए एक मशीन में जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और कई सारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो नेस्ले कंपनी ने आज तक रिवील नहीं करे हैं, वो सभी एक टम्बलर में ब्लेंड करे जाते हैं। इस पाउडर को पैक कर हर एक मैगी के पैकेट में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें रिटेल शॉप्स तक पहुंचा दिया जाता है। हम सभी को केचप खाना तो बहुत पसंद होता ही है और हम इंडियंस हर फास्ट फूड के साथ केचप खाते भी हैं। तो आइए देखते हैं कि केचप आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले टोमेटोज को फार्म से लेकर बड़े बड़े ट्रक्स में भरा जाता है। इन टोमेटोज को फिर एक हाइड्रोलिक बेल्ट पर रखकर अच्छे से धोया जाता है, जिसके बाद इन सभी टमाटरों को फिर दोबारा एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। यहाँ सारे खराब टमाटरों को एक मशीन अलग कर देती है। इस प्रोसेस के बाद टोमेटोज को एक स्टीमर के थ्रू भेजा जाता है, जहाँ इनकी स्किन अलग हो जाती है और फिर ये टोमेटोज रेडी हो जाते हैं ब्लेंड होने के लिए। अब एक बड़े से ड्रम में इस टोमेटो पल्प को चीनी, विनेगर और कई तरीकों के मसालों के साथ मिक्स करा जाता है और इसके बाद तैयार हो जाता है शानदार केचप, जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूलते। अब इस केचप को बॉटल्स में फिल करके शॉप्स में भेज दिया जाता है। च्युइंगम बनाने का सफर शुरू होता है गम बेस से, जो प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है। इसमें फ्लेवरिंग और कलर ऐड करने के बाद
इस पेस्ट को एक बड़े कंटेनर में डालकर उसको स्ट्रेच किया जाता है। इसके अलावा च्युइंगम में ग्लूकोज सिरप भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से च्युइंगम सॉफ्ट रहती है और उसको खाने में आपको एक यूनिक टेस्ट मिलता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को करीब आधे घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है और इसके दौरान जो हीट पैदा होती है उससे च्युइंगम को वो अमेजिंग स्ट्रेची टेक्सचर मिलता है। अब इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर में डाला जाता है, जहां ये मशीन इसकी लंबी स्ट्रिप्स काट देती है और इसके बाद इन स्ट्रिप्स को फ्रीजर के थ्रू पास कराया जाता है। फ्रीजर से पास करके च्युइंगम रैपर से चिपकती नहीं है और लास्ट स्टेज होती है इसको रैप करके हम सभी तक पहुंचाने की। ये मशीन एक मिनट में 900 च्युइंगम तैयार कर देती है। तो कैसा लगा आपको च्युइंगम बनाने का प्रोसेस, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। पाइनएप्पल जूस पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आप इसको बनाने का तरीका जानते हैं? सबसे पहले पाइनएप्पल्स को फार्म में से लेकर एक बड़े से कंटेनर में अच्छे से वॉश कर लिया जाता है। इनको वॉश करने के बाद इन्हें एक मशीन ड्राई करती है, जहां से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक क्रशर में। ये क्रशर पाइनएप्पल्स को क्रश करके इनका सारा जूस एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बचे हुए पल्प को दूसरी मशीन के एक बिन में ट्रांसफर कर देता है। अब इस जूस में शुगर और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जिससे ये जूस खराब नहीं होता और इसका टेस्ट मेंटेन रहता है। इसी तरह बाकी के फलों के जूस भी निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि आपकी फेवरेट मैगी नूडल्स और बाकी के अमेजिंग पैक्ड फूड्स किस तरह फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर इसी तरह की कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में बने बेल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।